से मंगोल एम्पायर के बारे में थोड़ा और कुछ जानते हैं। मैंने पहले बोला था कि एक तरफ तो हाई एम्बिशन, दूसरी तरफ रिवेंज लेने की चाहत, इससे ही दिल्ली सुल्तानियत का काल बना और दिल्ली सुल्तानियत एकदम डूब गया और ख़त्म हो गया। दौलत खान लोधी के सोन जो पुत्र थे गाजी, उनको इब्राहिम लोधी ने भरे दरबार में अपमानित किया था और उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पिताजी का जो राज्य है वो जब्त कर लिया जाएगा और उनको बंधक बना लिया जाएगा। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। फिर आज हम देखेंगे कि सिंधु, झीलम और चेनाब नदी पार करके पुनः जब पंजाब उपस्थित हुए बाबर, तो उन्होंने लाहौर फिर से कैप्चर कर लिया। इस वजह से दौलत खान और आलम खान जो थे वो बाबर के प्रति असंतुष्ट हो गए। वो संतुष्ट नहीं थे बाबर के प्रति, लेकिन फिर भी बाबर को दौलत खान लोधी और आलम खान का सहायता, क्योंकि देखिए एक तो दौलत खान लोधी को सब पहचानते थे और इसी राजनीतिक फायदा का प्रॉफिट जो है वो बाबर को, ये फायदा बाबर को लेना था। इसी वजह से फिर मैंने कहा था कि एक बार दौलत खान और आलम खान हाथ मिला लिए थे और बाबर को अपने ग्रुप से कैंसिल कर दिए थे। बाबर के प्रति उनका जो वादा था वो सब भूल गए थे। तो फिर आते हैं, जब यहाँ पर देख सकते हैं बाबर पंजाब आके जालंधर और सुल्तानपुर जो था वो लूट लिया था। और जब बाबर पेशवर तक आए, उनको पता चला कि दौलत खान और आलम खान आपस में हाथ मिला लिए हैं और एक बार दिल्ली में उन्होंने, उन दोनों ने धाबा बोला था और ये एक्सपेडिशन जो था उनका एकदम वो हार गए थे। और किसी तरीके से आलम खान भाग गए थे वहाँ से। तो बाबर स्टार्टेड इस कैंपेन इन नवंबर, रखिएगा तारीख को। ही गॉट न्यूज एट पेशवर, पेशवर को उन्हें पता चला कि दौलत खान लोधी हैड स्विच्ड साइड एंड ड्रॉप्ड आउट अलाउद्दीन। अलाउद्दीन को जो उन्होंने, बाबर ने बैठा कर आए थे लाहौर पे, वो उनको हटा दिए थे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबर स्टार्टेड हिज कैंपेन इन नवंबर 1525। ही गॉट न्यूज एट पेशवर, पेशवर में उनको खबर मिला था दैट दौलत खान लोधी हैड स्विच्ड साइड एंड ड्रॉप्ड आउट अलाउद्दीन। अलाउद्दीन को उन्होंने हटा दिया था, यहाँ पर पेशवर में उनको खबर मिला था। दौलत खान लोधी जो थे वो बाबर के पास से पंजाब हथियाना चाहते थे, लेकिन बाबर इस विषय में चुप रहे, कुछ नहीं बोले। मैंने पहले भी इस बारे में बोला था। तो हम जानते हैं। और इसके बाद बाबर एक स्ट्रॉन्ग आर्मी ट्रूप लेके सिरहिंद और अंबाला के मध्य से जब बाबर दिल्ली की तरफ अग्रसर हो रहे थे, वहाँ से जब दिल्ली की तरफ जा रहे थे बाबर, तो तब जो अफगान अभिजात वर्ग था वो बाबर को बहुत सहायता किए और इस वजह से बाबर को एक एडवांटेज भी मिला था। बाबर के अगेंस्ट इब्राहिम लोधी खुद एक सेनादल लेके पंजाब की तरफ कूच किए, एक खुद सेनादल लेके पंजाब की तरफ वो बढ़ते गए
हमीद खान के नेतृत्व में अफगान सेना का प्रथम दल हुमायूं के पास युद्ध में हार गए। तब हुमायूं का उम्र था मात्र 17 ईयर्स, यानी कि 17 तब हुमायूं का जो एज था वो 18 साल था, और हुमायूं ने हरा दिया था वो उस दल को। दाऊद खान और हमीद खान के नेतृत्व में अफगान सेना का एक सेकेंड ट्रूप भी यहाँ पर हार गया था। फिर बाबर मार्च्ड टू दिल्ली भाया सिरहिंद। सिरहिंद से बाबर ने दिल्ली की तरफ मार्च किया। सिरहिंद होके ही रीच्ड पानीपत 20 अप्रैल 1526। अब इस बात को कैसे याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 20 अप्रैल 1526, इस बात को याद करने के लिए मेरे पहले वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करने वाला हूँ। यहाँ पर मेजर सिस्टम हम प्रयोग करने वाले हैं। तो मेजर सिस्टम में क्या होता है, हम प्रत्येक जो नंबर है इस नंबर को इमेज में कन्वर्ट करते हैं। इमेज में कन्वर्ट करने से ब्रेन जो है वो इमेज को याद रख सकता है। देखिए, इमेज को याद रख सकता है, और हम जब स्टोरी बनाएंगे पिकुलेट से स्टोरी, तो ब्रेन इस बात को याद रख सकेगा। तो देखिए, आते हैं मेन पॉइंट पे। देखिए, यहाँ पर जो एन है ये टू डाउन स्ट्रोक है, एक इधर टू डाउन स्ट्रोक है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। मैंने पहले भी समझाया हुआ है, जो लोग पहले वाले वीडियो मेरे देख रहे हैं, सीरीज में देख रहे हैं, तो जानते हैं। लेकिन जो अभी देख रहे हैं, जो आप लोग अभी देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए एन जो है वो टू डाउन स्ट्रोक है। यहाँ एक लाल दाग में देख सकते हैं, यहाँ पर एक है, तो इसीलिए इसे टू कहा जाता है। जीरो का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वायल होता है। एस का कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पर जीरो होता है, और ई का भी कोई वैल्यू नहीं। तो आप अगर पहले वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरे चैनल में जाइए और सारा का सारा वीडियो वन बाय वन देखिए। तो इससे आपको इसमें जो सिस्टम को जानने में सुविधा मिलेगी, है एक एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, अब अप्रैल को कैसे याद रखिए। देखिए, अप्रैल साउंड लाइक अप्रैल, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या अपराजिता, ऐसे कोई किसी लड़की का नाम है अपराजिता जिसको आप जानते हैं या आपने देखा है, तो उसके नाम से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। या एप, फर्स्ट टू लेटर को ले लीजिए एप, और आर थ्री लेटर को ले लीजिए। ऐसा ही नियम है, कुछ साइकोलॉजी में कहा जाता है, तो इससे ब्रेन याद रख सकता है। तो मैंने यहाँ पर एकदम सिंपल सा अप्रैल से एप्पल ऑन द रिल ऐसा इमेज बना लिया। और डाल, डाल क्यों, डाल से देखिए यहाँ पर जो डी है, डी वन डाउन स्ट्रोक है, यहाँ पर डी जो है वो वन डाउन स्ट्रोक है। ठीक है, इसलिए एक होता है, और एच का कोई वैल्यू नहीं है, ए भी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वायल है, और एल से फाइव होता है। ठीक है, तो डाल से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 15 से, और सैंडविच से देखिए सी एच से 6 होता है, और यहाँ पर डी है उसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर कोई साउंड हम लेन नहीं लेंगे डी का। यहाँ पर देखिए एन है, एन से टू डाउन स्ट्रोक है, इसलिए टू होता है। अब जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा इस चार्ट को याद कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 6 है, ए सी एच से होता है, 0 एस से होता है, और यहाँ पर टी डी 1 डाउन स्ट्रोक है। थोड़ा सा इस को थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो अच्छा होगा, मेजर टेक्निक को। तो ठीक है, आप अगर नहीं जानते तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यहाँ पढ़ते हैं। तो एक स्टोरी बनाते हैं। चलिए, अब पानीपत, पानीपत को पानीपुरी के साथ लिंक कर लीजिए। ठीक है, अब
फर्स्ट, क्योंकि पानीपत का आप जानते हैं 3 बार बैटल हुआ था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब फर्स्ट बैटल को याद रखना है, ठीक है। अब सीक्वेंस वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड को याद रखना है। तो पहले फर्स्ट को लेते हैं। फर्स्ट को लेने से कैंडल लाइट डिनर, देखिए कैंडल, कैंडल जो है वो करीब करीब देखने में क्या क्या होता है, करीब करीब देखने में देखिए 1 जैसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ से आप याद कर लीजिए कैंडल लाइट डिनर। और कैंडल लाइट डिनर में एक घटना घटा था, एक आप सोच लीजिए। यहाँ पर याद रखिएगा, साइकोलॉजी भी एक कहता है इफ़ यू वांट टू मेमोराइज तो आप अपने आप को यानी कि खुद को घटना में ले जाइए, ले जाने से आपको याद करने में सुविधा होगा, आप ज़रूर याद कर सकेंगे, बड़े बड़े नंबर भी याद कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए नोस, तो कैंडल लाइट डिनर में पानी पूरी दिया गया था, बहुत सारा पानी पूरी दिया गया था। और कैंडल क्यू, कैंडल लाइट क्यू, यहाँ पर फर्स्ट को याद रखने के लिए। और पानी पूरी क्यों, पानीपत। तो आपने नाक से स्मेल किया कि एक एप्पल का स्मेल किया, और आपने देखा नीचे झुक के देखा कि एप्पल में वहाँ पर एक रील पड़ा हुआ था। तो फिर आपने उस रील को देखा और कुछ नहीं बोले, और आपने डाल वहाँ से, डिनर में डाल था और डाल आप खाने लगे, और डाल में आप पानी पूरी में सैंडविच आपने दिया और सैंडविच को चबाया। एक अद्भुत सा स्टोरी है, पिकुलियर सब स्टोरी है, आप लिंक कर लीजिए, थोड़ा सा आंखें बंद करके सोचिए, देखिए आप कभी नहीं भूल पाएंगे। नोस तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 20, और फिर एप्पल और रील। और डाल क्यों, डाल से क्या होता है, डाल क्यों, यहाँ पर देखिए 15, ठीक है। और सैंडविच 26, थिंक कैसे 1526 को याद रखना है। तो 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, वहां पर बाबर ने क्या किया था, अचानक से धावा बोल दिया था, और अफगान जो सेना थे वो बिल्कुल प्रस्तुत नहीं थे। और यहाँ पर बाबर ने प्रथम जो आर्टिलरी तोप है उसका इस्तेमाल किया था, और बंदूक का भी इस्तेमाल किया था, और इससे बहुत फायदा मिला था बाबर को पानीपत के प्रथम युद्ध में, और शत्रु एकदम तहस नहस हो गया था। हालांकि इब्राहिम लोदी के पास सैन्य दल जो थे, वो आर्मी ट्रूप बहुत बड़ा था बाबर के मुकाबले, तो फिर भी इब्राहिम लोदी जो है वो हार गए। और बाबर ने इस बारे में लिखा भी था बहुत गर्व के साथ कि मेरे पास 12,000 सैन्य, मैंने यात्रा शुरू किया था, और इस बात को बाबर ने गर्व से बोला था। तो आज के लिए इतना ही। तो जाते जाते मैं एक क्वेश्चन आपको छोड़ जाता हूँ, एग्जैक्ट डेट और तारीख के साथ आप बोलिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने से आपको मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका अपडेट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।